हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है मंजीत। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पिटबुल डॉग ब्रीड के बारे में, जिसको लेकर हर किसी की अलग अलग थिंकिंग है। और ये सब है इनके टेम्परामेंट को लेकर, क्योंकि पिटबुल आप लोगों को कुछ अलग अलग टेम्परामेंट्स में मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ काफी एग्रेसिव होते हैं और कुछ पिटबुल इतने फ्रेंडली होते हैं कि जैसे कि लैब्राडोर। और दोस्तों, अभी रिसेंटली ही मेरे एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई मेरा पिटबुल इतना फ्रेंडली है कि अगर स्ट्रीट डॉग उसके ऊपर बार्क करते हैं तो वो डर के अंदर घर में घुस जाता है। तो दोस्तों, आज जिस पिटबुल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक फीमेल है और ये भी बहुत ही फ्रेंडली है। वैसे इस फीमेल के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ओनर इसके टेम्परामेंट की पूरी गारंटी लेता है और उन्होंने स्पेशली ये भी बोला है कि आप लोग चाहे फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, आप में से कोई भी इस फीमेल को परचेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पिटबुल एक फ्रेश फीमेल है जो कि 9 मंथ की हो चुकी है और ये कुछ ही दिनों में हीट पर भी आने वाली है और ये इसकी फर्स्ट हीट होगी। और फ्रेंड्स, इस पिटबुल पे आप लोगों को इसकी वैक्सीनेशन और स्टार्टर फूड पे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये फीमेल कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। और ये पिटबुल फीमेल फ्रेंडली होने के साथ साथ वेल ट्रेंड भी है, जो कि काफी कुछ चीजों को जानती है। तो अगर आप लोग किसी भी सेमी एडल्ट डॉग को परचेज करते हो तो उनका जो मेंटेनेंस खर्च है वो काफी कम हो जाता है। बट दोस्तों, अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज कर रहे हैं तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पूरी करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है। तो इनकी वॉक एंड एक्सरसाइज का ख्याल आप लोगों को जरूर रखना पड़ेगा। एंड प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी एडल्ट या सेमी एडल्ट डॉग को परचेज करो तो ओनर से उसके डाइट प्लान के बारे में जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी डॉग का खाना सडनली चेंज कर दोगे तो या तो वो डॉग खाना नहीं खाएगा या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, हमेशा की तरह, ये हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है नितिन ब्राह्मण, सेकंड है अमरजीत छिकारा एंड थर्ड है मीता फौजी। सो गाइस, एज तो मैं आप लोगों को इस फीमेल की ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये 9 मंथ्स की हो चुकी है एंड ये फीमेल नियर हीट है। और गाइस, इसकी जो लोकेशन है वो है मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। एंड गाइस, डिलीवरी ओनर आप लोगों को 30-40 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। लेकिन अगर आप लोग एक एडल्ट डॉग को परचेज करते हैं तो आप लोग को डायरेक्टली ओनर के पास विजिट करके इसे परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए। एंड प्राइस नेगोशिएबल है। आई एम श्योर परचेज करते टाइम आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गाइस, कुछ और डॉग ब्रीड की वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, ये तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।